नमस्ते जी। आप लोग कभी कभी जो गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाता है, आपने 100% यानी कि हेलमेट लगा के जाइए। यानी मैंने सुबह अभी एक एक्सीडेंट हो चुका है मेरे को। देखो, आप जब भी हेलमेट पहनता है ना, ये जो बेल्ट बराबर बांध लेना चाहिए, ठीक है ना। मैंने बराबर बेल्ट बांधा था, इसलिए वजह से मेरा हेलमेट जब भी मैंने एक्सीडेंट हुआ निकल के भागा नहीं, मतलब निकल के गया नहीं, इसलिए करके देखो अभी इधर इधर आप देख सकता है। अगर ये हेलमेट नहीं होता तो ना मेरा सिर इतना मतलब डैमेज होने वाला था, इसलिए मैं इधर से थक्का मार के नीचे गिरा हुआ है। और इधर आपने इसको जो मार्किंग वगैरह इधर देख सकता है, कितना बहुत खतरनाक तरीके से मैंने गिर गया। एक गाड़ी क्रॉस किया था मैंने, इसलिए अचानक से गाड़ी ब्रेक मारा तभी गिर गया। देखो आपको इसको देख सकता है, देखो ये गाड़ी जो है उल्टे बिल्कुल उल्टा हो गया। और इधर भी देखो आपने, ये जो देखो आपने, ये पूरा ख़राब हो गया और ये पूरा बेंड होकर के इस तरफ आया हुआ है। मैंने एक साइड को गिर गया था। तो आप लोग भी अपना फैमिली के साथ रहना चाहिए, आप लोग भी अपना मतलब सेफ रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये मैसेज पास कर रहा हूँ। हमारा भी बहुत सारे यंगस्टर्स हेलमेट पहनने के लिए यानी मना करता था। वो हेलमेट हम पहनने से हमको एक फीलिंग हो रहा था, हमको कोई क्या पहना हुआ ऐसा कोई फीलिंग हो रहा था। मैंने भी ऐसे सोच रहा था, लेकिन आप लोग कभी मत सोचिए ये हेलमेट पहनने से आपको कोई तरीका से तकलीफ नहीं होगा, आपको सेफ होंगे, आपने अपना लाइफ को सेफ होंगे, अपना फैमिली को यानी सेफ होंगे। इसलिए करके आप हमेशा अपना हेलमेट पहन लीजिए। हेलमेट आपको फुल कवर वाला और ठीक है, क्योंकि आपको देख सकता है मेरे इधर भी थोड़ा सा चोट लगाया हुआ है, ठीक है जी। आप फुल कवर वाला था, मेरे को उतना भी चोट नहीं लगने वाला था। अभी थोड़ा मेरे हाथ का भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इस तरीके से गिर गया था, और पैर का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप लोग फ्यूचर में भी, इन स्कूल में भी, इन पैशन के लिए भी आप लोग हेलमेट निकाल के मत चलाइए। विथ हेलमेट किधर भी जाइए, आप सेफ रहने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।